चलिए अभी सिल्वर सेल में चेक इन किए हैं और ये कलंगूट मेन मार्केट में ये प्रॉपर्टी है। चलिए आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में दिखाते हैं, ये रूम की अमेनिटीज दिखाते हैं, रूम की अमेनिटीज क्या है क्या नहीं मिला जब। तो ये रूम नंबर 403 है, चलिए चेक इन करते हैं। कार्ड को इंसर्ट किया, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे तो एक बड़ा सा मिरर इस साइड आपको दिखेगा। इधर देखिए, इधर लगेज रखने के लिए हम लोगों ने अपना लगेज रख दिया है, यहाँ पे लगेज रख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे जूते चप्पल जो आपके होंगे वो रख सकते हैं। ये मैं इस साइड दिखाऊँ तो ये कवर्ड है, देखिए कवर्ड में आपको हैंगर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये होटल 3 स्टार प्रीमियम कैटेगरी में आता है, यहाँ भी आप कुछ चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब रूम कोड दिखाते हैं, रूम टूर देते हैं। सो बेसिक कम्युनिटी, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। चाय कॉफ़ी, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, जो भी चाहिए बेसिक चीज़ें अवेलेबल है। इधर अगर नीचे देखेंगे तो नीचे एक मिनी फ्रिज, मिनी बार, अच्छा वाटर बॉटल नीचे इन्होंने रखा है, फ्रिज मिनी बार जो भी बोल सकते हैं वो है। एक बड़ा सा टीवी है, देख सकते हैं कितना बड़ा सा टीवी है। ये एसी का, टीवी का, सेटअप बॉक्स का, रिमोट्स है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने स्लीपर्स दिया है, आप स्लीपर्स भी यूज कर सकते हैं। एक अच्छा सा सोफा है कि यहाँ पे आप आराम से चिल चाहे तो ऐसे बैठ के, एक रिलैक्स मोड वाला जो है ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं तो एक रिलैक्स मोड वाला फेज में आ सकते। सो ये अपना एक प्यारा सा बेड है, ये देखिए, काफ़ी बेड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी शॉर्ट भी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ आपका इंटरकॉम मिल जाएगा, जिससे आपको रेस्टोरेंट में या कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। ये देखिए, ये आपका फूड मेनू है, आपको कुछ भी ऑर्डर करना है रेस्टोरेंट से, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम हेयर। इट विल टेक 30 to 45 minutes, 30 से 45 मिनट का टाइम लगेगा, तो मेंटली प्रिपेयर होके कीजिएगा। इसमें कुछ आपका वॉलेट वगैरह रखना है तो वो रख सकते हैं। पीछे एक डिसेंट पेंटिंग गोवा वाला वाइव का इन्होंने लगाया हुआ है, वो भी अच्छा है, गुड लुकिंग दे रहा है, ठीक है। इधर एसी है, मिस्टुबिशी का, देखिए ब्रांड का है, ऐसा नहीं किसी का भी लगा दे, मिस्टुबिशी का एसी है। इधर भी एक टेबल है, ऑल आउट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ भी कुछ चीज़ें आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होटल, बाथरूम का टूर देता हूँ आपको। ये एक बड़ा सा बाथरूम है, बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे लग्जरी 4 स्टार प्रॉपर्टी में ना बाथरूम काफ़ी छोटे छोटे, तो बाथरूम काफ़ी बड़ा है आप देख रहे हैं। ये आपका शावर एरिया है, यहाँ से आपको शावर दिखेगा, और ये आपका सीट है, और ये आपका बेसिन है, टॉवल यहाँ पे रखा हुआ है। और जो बेसिक चीज़ें चाहिए, ये सोफ है, ये शावर कैप है, ये लोशंस है, ये भी लोशन है, ये आपको देखिए शेविंग किट है, 2 शेविंग किट, ये कॉम्ब, और फिर ये आपको डेंटल किट, 2 डेंटल किट। तो बेसिक जो चाहिए वो सारी चीज़ें वो अवेलेबल है। हो सकता है कभी कभी अवेलेबल नहीं हो, तो ऑन रिक्वेस्ट आप डिमांड करेंगे, रिसेप्शन पे कॉल करेंगे, वो इजीली आपको अवेलेबल करवा देंगे। सो अभी क्या था कि जब मैं चेक इन कर रहा था तो बालकनी वाला रूम अवेलेबल नहीं था, तो 4th फ्लोर पे एक रूम मैंने लिया है। तो देखते हैं इसका गैलरी क्या, रूम से क्या व्यू आता है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ही कर्टन को मैं जस्ट हटाता हूँ तो ये देखिए, ये विंडो भी खुलता है, तो इससे व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप सिटी व्यू बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है। उस साइड वाले रूम थे, वहाँ से पूल व्यू आता है, यहाँ से व्यू भी अच्छा है, आप इंजॉय कर सकते हैं एक नेचुरल वाइब का। पूल व्यू नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल होगा तो देखते हैं, कल वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल रूम अच्छा है, रूम काफ़ी ठीक है, 3 स्टार प्रॉपर्टी में, एक अच्छे मेंटेन किए हुए प्रॉपर्टी। सो चलिए बाकी का पार्ट है जो एंट्रेंस का, स्विमिंग पूल का, रेस्टोरेंट का, ये सब चीज़ें भी मैं ऐड कर दूंगा। ब्रेकफास्ट क्या कैसा रहता है, डिनर क्या रहता है, ये सब चीज़ें बता दूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब। लग रहा था भूख जैसा, तो देखिए मैंने एक तो चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया है नॉर्मल, और एक सिजलर है, उसको टूर ऑफ एशिया का नाम दिया गया है। तो टूर ऑफ, इसमें मंचूरियन, पोटैटो, नूडल्स देख रहे होंगे, कैबेज, ये सारे कुछ मिला के ये सिजलर बनाया गया है। सो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। तो टेस्ट करते हैं सिजलर टेस्ट, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मंचूरियन वाला पार्ट देख। ये भी ठीक है,
या फिर मैंने एक सैंडविच मंगाया, चीज सैंडविच मंगाया था। ये भी ठीक है लेकिन सिजलर के कंपेयर में थोड़ा फीका फीका जैसा फील होता। बाकी कोट भी फूड की क्वालिटी ओवरऑल ठीक है। सो यहाँ पे बाहर का नज़ारा लेते हुए हम फूड को एंजॉय कर रहे हैं। सिल्वर सेल में नीचे आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये पकौड़ा है, पोहा है, इडली है, चटनी शाम है और ये जूस फ्रूट भी था, तो वो भी लिए हैं। बाकी ब्रेड जैम बटर ये सब भी है। ओवरऑल ब्रेकफास्ट का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये देखिए हनी बार है, ये कवाना सेटअप है, कैंडल लाइट डिनर अगर ये सब होता है तो इसी के सेटअप में होता है। देखिए यहाँ पे क्योंकि अभी बारिश का सीजन है ना, तो यहाँ पे और ये बड़ा सा स्विमिंग पूल है। गया है, आहा, गोवा में काफ़ी दिन रहे यार, लगभग वन वीक से भी ज़्यादा गोवा में स्टे किए। सो इट्स टाइम टू फ्लाई। अभी मेरी फ़्लाइट न्यू दिल्ली की है और न्यू दिल्ली से फिर ट्रेन है पटना के लिए। सो इस होटल को चेकआउट कर रहे हैं, थोड़ा बिखरा बिखरा सा होगा चेकआउट टाइम, तो बिखरा बिखरा सा रहता है। डे वन में मैंने जो बताया था उसके बाद मैंने रूम चेंज कराया बालकनी वाला, वो विदाउट बालकनी था क्योंकि उस समय अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने चेंज करवाया। तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बालकनी है और बालकनी से यहाँ स्विमिंग पूल का नज़ारा काफ़ी तगड़ा। देखिए स्विमिंग पूल पूरा होटल का बाई वे, रात को म्यूजिक चलता है तो उसका अलग बाइक रहता है। सो बाबा टेक केयर, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा गोवा का। सो मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में किसी और लोकेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब।